गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो नाउ अब हम सेकेंड जो एक्सरसाइज उसे करते हैं, राइट दीज इन करेक्ट ऑर्डर। हमें इसको करेक्ट ऑर्डर में फिल करना है। तो ए पे आपको एफ जो फ्रॉग होता है उसकी लाइफ साइकिल दी हुई है, तो हमें इसे करेक्ट ऑर्डर में पुट करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर क्या हुआ, एग हुए हमारे, देन सेकेंड क्या हुआ हमारा टैडपोल, थर्ड हमारा हुआ यंग फ्रॉग, देन फोर्थ हुआ हमारा एडल्ट फ्रॉग जो कम्प्लीटली बड़ा हो जाता है। बी में हमारा जो प्रोसेस दी है वो है एक बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल। फर्स्ट हमारा प्रोसेस है एग, सेकेंड हुआ हमारा लावा, हैचेस आउट ऑफ एग्स, एग्स से जो लावा निकलता है देन सेकेंड उसे बोलेंगे। थर्ड हमारा हुआ कैटरपिलर जो ईट करता है लीव्स को एंड ग्रो करता है। फोर्थ हुआ हमारा ककून, ककून जो प्रोसेस होती है वो अपने आप को कवर कर लेता है एक थ्रेड से, जिसको कौन सी स्टेज बोला जाता है, प्यूपल स्टेज बोला जाता है। देन आप पेज नंबर 43 खोलेंगे, देन उस पर है हमारी फिफ्थ स्टेज। दैट इज बटरफ्लाई कम्स आउट ऑफ ककून, फिफ्थ स्टेज में बटरफ्लाई जो है बाहर आ जाती है। सिक्स्थ स्टेज जो है वो कैटरपिलर चेंजेस इनटू बटरफ्लाई, जो कैटरपिलर है फिर वो ककून में कन्वर्ट हुआ, देन ककून से निकलने के बाद जो कैटरपिलर एक एडल्ट बटरफ्लाई बन जाता है। तो इस तरीके से ये हमारी बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल है। नाउ थर्ड वन इज राइट द नेम्स ऑफ देयर यंग वंस, हमें यंग वंस के नेम्स लिखने हैं। तो फिश का यंग वंस क्या हुआ, फ्राई। फिश के यंग वन को हम फ्राई बोलते हैं। हॉर्स के बेबी को हम क्या बोलते हैं, कैटल या फोल। हॉर्स के बेबी को हम कैटल बोलते हैं या फिर फोल बोलते हैं, एफ ओ ए एल, फोल। फ्रॉग के बेबी को हम क्या बोलते हैं, टैड पोल। फ्रॉग के बेबी को हम बोलेंगे टैड पोल। टाइगर के बेबी को हम बोलेंगे कब। काऊ के बेबी को हम क्या बोलते हैं, काल्फ। डॉग के बेबी को बोलते हैं हम पपी। तो इस तरीके से जो नेम्स हैं वो हमने यंग वंस को दिए हुए हैं, एनिमल्स के जो यंग वंस हैं उनको हम इस तरीके से बोलते हैं। ना फिफ्थ वाला आपको खुद से करना है, राइट टेकिंग केयर ऑफ द यंग वंस विथ एग्जाम्पल। आपने किसी यंग वंस की टेक केयर की है, किसी बेबी, किसी एनिमल के बेबी की टेक केयर की है, तो आप बता सकते हैं, उसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आपने कौन से यंग वंस की केयर की है और किस तरीके से। लाइफ स्किल्स क्या है, लाइफ स्किल है एनिमल्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड। एनिमल जो होते हैं वो अपनी ही तरह बहुत सारे बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं। दिस हैव टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ देयर स्पीसीज, इससे क्या होता है उनकी प्रजाति कंटिन्यू रहती है। एनिमल्स बेबीज बिकम्स इंडिपेंडेंट क्विकली एज कम्पेयर टू बेबीज ऑफ ह्यूमंस, जो एनिमल्स की बेबीज होते हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं क्विकली जल्दी से एज कम्पेयर टू द बेबीज ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस के बेबीज से कम्पेयर्ड जो एनिमल्स के बेबी हैं वो जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र हो जाते हैं। एनिमल्स टेक केयर ऑफ देयर एग्स एंड यंग वंस अंटिल दे आर ग्रोन अप टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। एनिमल्स टेक केयर ऑफ देयर एग्स, जो एनिमल्स होते हैं वो अपने एग का और यंग वंस की केयर करते हैं और उन्हें ग्रोन होने तक मदद करते हैं और उनकी केयर करते हैं जब तक एनिमल्स ग्रोन नहीं हो जाते। और जो एनिमल्स के बेबी होते हैं इंडिपेंडेंट हो जाते हैं जल्दी, मीन्स वो खुद से खाने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, पीने लगते हैं पानी। इस तरीके से जो हमारा लेसन है वो फिनिश हो गया है। अगर आपको लगता है इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।